मां बनने के बाद आईएएस टीना डाबी जमकर हो रहा टीना डाबी का ये वीडियो वायरल। राजस्थान कैडर के चर्चित आईएएस टीना डाबी के घर किलकारी गुंजी है। शुक्रवार देर रात बेटे को जन्म दिया। दरअसल मई 2023 को पाक विस्थापित हिंदू महिलाओं ने टीना डाबी के पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। उस समय टीना डाबी जैसलमेर की कलेक्टर थी। मामला ये था कि पाकिस्तान से भारत आए विस्थापित हिंदू परिवारों को बसाने के लिए जैसलमेर प्रशासन ने 40 बीघा जमीन पर बसाइट के लिए काम शुरू कर दिया था। इस दौरान जैसलमेर की तत्कालीन जिला कलेक्टर टीना डाबी पाक विस्थापितों के लिए नए आशियाने के लिए पहुंची थी। चर्चा में टीना डाबी और प्रदीप गावड़े की जिंदगी में आए खुशी के लम्हे बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। आपको बता दें कि पाक विस्थापितों के लिए मूल सागर में 40 बीघा जमीन आवंटित की गई। जमीन मिलने की खुशी में वहां पर मौजूद महिलाओं ने टीना को बेटा होने का आशीर्वाद दिया। जवाब सुनकर टीना डाबी खिल उठी थी। हालांकि टीना डाबी ने कहा था कि बेटा हो या बेटी फर्क नहीं है, लेकिन चर्चा है कि टीना डाबी और प्रदीप गावड़े की जिंदगी में एक खुशी आई। इस लम्हे के पीछे उस वृद्ध महिला का आशीर्वाद है। आपको बताते चले कि दंपति प्रदीप गावड़े और टीना डाबी का पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। इस खास मौके पर उन्हें मिल रही बधाई और शुभकामनाओं के बीच ट्विटर पर टीना डाबी टॉप पर ट्रेंड कर रही है। खासतौर पर इस मौके पर जैसलमेर में पाक विस्थापित महिला के आशीर्वाद की चर्चा हो रही है, जिसने पुनर्वास के लिए जमीन दिए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर टीना डाबी को महिला ने पुत्र रतन देने का और प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट सन लाइव की रिपोर्ट।